इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। गृह मंत्री की नाराजगी के बाद एक्शन मोड पर इंदौर पुलिस, आरोपियों की धरपकड़ के लिए इनाम घोषित। पुलिस ने तीनों पर 10,000 का इनाम घोषित किया। पुलिस की कई टीमें कर रही है तीनों की तलाश। गोलीकांड में घायल अर्जुन ठाकुर का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जब्त किया। सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू। पुलिस ने नगर निगम को अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही की अनुशासन की। शराब दुकान सिंडिकेट के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वालों की होगी गिरफ्तारी। बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए हैं, अवैध संपत्तियां हैं, सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है। इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जितने भी आरोपी हैं, कल ही हमने उन पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। आज जो है थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, वो थोड़ी देर में लेकर के आ रहे हैं एनएसए तैयार करके सभी इसमें आरोपियों का, और इनका आज हम एनएसए करके और कलेक्टर कार्यालय भिजवा देंगे। तो इसमें एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को पत्र हमने लिखा है और इनकी जो अवैध संपत्ति है, इन्होंने जो अवैधानिक तरीके से मकान का निर्माण किया है, उसके बारे में नगर निगम अपनी जाँच करेगा और यदि गलत पाया जाता है तो नगर निगम उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा जो उत्पाती तत्व थे जिन्होंने सिंडिकेट के ऑफिस में तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसमें वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान, कुछ लोगों की पहचान हो गई है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों की पहचान हो गई है उनमें से एक दो हैं जो उसमें नामजद मुलजिम हैं, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और उन पर जो है कानून के तहत जो कठोर कार्रवाई है वो कठोर कार्रवाई उसमें की जा रही है।